आज मैं आपको बहुत ही टेस्टी छाछ और दही की रेसिपी बता रही हूँ। इसके लिए आप 200 ग्राम चावल लें और उसे अच्छी तरह से धो के एक और रख लें। इधर एक लीटर मैंने छाछ लिया है, मैंने अमूल के छाछ लिए हैं। आप कोई भी ब्रांड का, चाहे घर में ही दही से बना लें आप और उसे आप यूज़ करें। तो आप, मैंने इस छाछ को कंटिन्यू बॉयल किया है और उसे मैं उबलने दूंगी। जब हमारा छाछ उबलने लगेगा, लेकिन इसे कंटिन्यू चलाते हुए उबालें, और उसके बाद जब उबल जाएगा तब उसमें मैं चावल डाल दूंगी। चावल को भी मैं कंटिन्यू चलाते हुए पकाऊंगी। इसमें कोई प्रोसेस नहीं है, सिर्फ इसे पकाना है। जब चावल आपका अच्छी तरह से पक जाए, 5 से 7 मिनट बाद आप देखेंगे कि आपका चावल हल्का फुल्का पकना स्टार्ट हो जाएगा। जब आपके चावल अच्छे से पक जाएंगे और ये जो चावल है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, तब आप इसके तड़के बनाएं। एक फ्राई पैन में मैंने 2 चम्मच घी लिया है और थोड़ी सी मैंने इसमें राई ली है, 2 सूखे मिर्च लिए हैं और कुछ कड़ी पत्ते लिए हैं, और सभी को मैं अच्छे से चटकने दूंगी। सारे जो हमारे तड़के वाले मसाले हैं वो अच्छे से पक जाएंगे, तब मैं इस जो डिश को बना के रखा था उसमें मैं डाल दूंगी। मैं जब हमारा ये रेसिपी जब ठंडा हो गया था तब मैं इसमें नमक ऐड की हूँ। आप भी नमक, जब आपके ये जो रेसिपी कंप्लीट हो जाए तभी उसमें नमक डालें। बीच में उबलते समय आप इसमें नमक ना डालें। जब आपकी चावल बनके रेडी हो जाए तब आप इसमें नमक ऐड करें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। ये रेसिपी आपकी बिल्कुल बनके रेडी हो गई है। ये बहुत ही हेल्दी और टेस्टी रेसिपी है। मैं आशा करती हूँ आप लोगों को पसंद आएगी। कुछ नया लेके आना चाहती हूँ आप लोगों के लिए। हमारी कोशिश हमेशा रहेगी कि मैं कुछ डिफरेंट आप लोगों के लिए लेके आऊँ। दूसरा रेसिपी मैं इसी चावल और दही से बनाऊँगी। इसके लिए भी मैंने 1 ग्लास, छोटे से ग्लास चावल लिया है और उसे मैं पानी से अच्छी तरह से धो लूँगी। चावल को अच्छे से वॉश कर लूँगी। उसके बाद मैं इधर एक फ्राई कढ़ाई चढ़ाऊँगी और उसमें मैं 2 चम्मच घी लूँगी और उसी में मैं थोड़े से गरम मसाले और थोड़ा सा जीरा, 1 छोटा चम्मच मैंने जीरा लिया है, 2 लौंग, 2 हरी इलायची, 1 से 1.5 इंच के मैंने दालचीनी के टुकड़े लिए हैं, और इन सभी को घी में अच्छे से चटकने दूंगी। मसाले हमारे चटक जाएंगे तब बड़े प्याज को मैंने फाइनली चॉप करके रखा था उसे मैं इसमें ले लूँगी। उसे भी मैं इसमें चलाते हुए अच्छी तरह से, प्याज जब हमारा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा तब तक मैं इसे भून लूँगी, और उसके बाद मैं इसमें हरी मिर्च और लहसुन का पेस्ट डालूँगी। अदरक मैं इसमें क्रश करके डाली हूँ और इन सभी को मैं अच्छे से भून लूँगी। मसालों को और प्याज को तब तक भूनूंगी जब तक कि मसाले मेरे अच्छे से भून ना जाए और प्याज का कलर जो है वो हल्का चेंज ना हो जाए। जब हमारा प्याज का कलर थोड़ा चेंज हो जाएगा तब मैंने 1/2 kg दही लिया है, उसे मैं इसमें डाल दूंगी। दही को इसमें डालने के बाद उसे कंटिन्यू चलाती रहे। दही को चलाने से क्या होगा कि ये फटेगी नहीं, और जब ये दही अच्छे से आपके पक जाएंगे तब ये थोड़ा पतला हो जाएगा। उसके बाद आप इसमें थोड़ी सी पानी, जितना कि आपका चावल पक जाए, लगभग 2 ग्लास आप इसमें पानी ऐड करें और इसे अच्छी तरह से बॉयल आने दें। जब आपका दही चलाते हुए अच्छे से बॉयल आ जाएगा तब आप इसमें जो चावल आपने रखा है उसे आप इसमें डाल दें और उसे भी आप चलाते हुए पकाएं। जब आपका चावल अच्छी तरह से इस दही में पक जाएगा कंटिन्यू चलाते हुए आप चेक करती रहेंगी ये आपके चावल पके हैं या नहीं, और उसे आप थोड़ी देर और पकने दें। देखिए ये चावल लगभग हमारा बनके रेडी हो गया है। थोड़ी देर और इसे पकाना है। ये चावल पकने में कम से कम 10 से 12 मिनट लगेंगे। इसके बाद आप इसमें दो छोटे चम्मच चीनी डालें और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें डालें, और फिर इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर दें। ये
ये देखिए, ये बिल्कुल हमारा चावल बनके रेडी हो गई है। ये भी जो हमारे दही की बनी हुई चावल है, ये बहुत ही टेस्टी लगती है। जब चावल आपके बन जाए, तब कुछ हरे धनिया पत्ते से इसे इस तरह से इसमें डालें और इसे मिक्स करें और फिर आप इसे सर्व करें। तो बिल्कुल इजी प्रोसेस में और बहुत ही टेस्टी। आपके लिए मैं दो तरह से छाछ और दही के ये चावल लेके आई हूँ और मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगी, क्योंकि ये दोनों ही डिश बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही टेस्टी है। तो आप ज़रूर इसे ट्राई करें और आप अपना फीडबैक हमें ज़रूर लिख भेजें कि आपको हमारा बनाया हुआ ये डिश कैसा लगा और मैं आपके लिए क्या कुछ नया ले आ सकती हूँ, जो कि आप हमें बताएंगे तो मैं ज़रूर आप लोगों के लिए ट्राई करूँगी। आशा करती हूँ आपको हमारा ये दोनों रेसिपी बहुत पसंद आएगी।